देखिए कलवट के अंदर ही जरक गया है पूरा एकदम। तो अभी अंदर घुस ही रहे हैं दोस्तों, और देखिए दीवार में लगा दिए हैं दोस्तों निशान। देखिए यहाँ से वहाँ तक तो पूरा हो गया है दोस्तों, ये गली पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए लक्ष्मी कितना ज्यादा खुश है एकदम, गोदी मिला ना जी। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम भींगा हुआ है। देखिए जहाँ पर आग जलेगा वहाँ पर पानी है, और इस रूम में इतना ज्यादा भींगा हुआ है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर चलने के लिए हम लोग इस तरह से प्लास्टिक बिछा दिए हैं। देखिए यही वजह से हम लोग का पूरा कलवट घर सभी हो गया है दोस्तों। देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम भींगा हुआ है। चलिए कलवट के अंदर आ गए दोस्तों, ये देखिए यहीं से निकल रहा है। देखिए इधर और ज्यादा भींगा हुआ है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम गीला हो गया है मिट्टी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए आते आते काफी रात हो गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय है और हम लोग अभी खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों, और अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी को दवा पिलाने के लिए। वो नया घर तरफ आए हुए हैं दवा लेकर के, तो वहीं पर अभी हम लोग चलेंगे, है ना जी? हाँ, चलिए चलिए। अभी जस्ट आए हुए हैं दोस्तों, और अभी हम लोग को आए थे बुलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं नया घर तरफ। सही पार कर जा रही थी। हाँ, जब फोन कर लिए 11-12 बजे तब कही इटा थीन ईयर देखा हम दो बूंद जिंदगी की। क्या लक्ष्मी, तो सबे रहौला कहाँ रखवानी? तो लक्ष्मी दवा पी ली है दोस्तों, और देखिए लक्ष्मी का अंगुली में नाखून पॉलिश लग गया ना लक्ष्मी, बढ़िया लग रहा है ना। और देखिए दीवार में लगा दिए हैं दोस्तों निशान, ये देखिए। आज हमारे घर में पल्स पोलियो दवा पिलाई है ना, इसलिए उसी का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए आज का डेट दिया हुआ है, और अभी उन लोग दवा पिलाने के बाद निकल गए दोस्तों। और अभी हम लोग का घर का काम भी पूरा जोर शोर से हो रहा है दोस्तों। देखिए इधर फूफा लोग लगे हुए हैं काम पे। देखिए बालू चाल करके अभी नापने जा रहे हैं कितना फ्रेश बालू है एकदम। तो बालू वगैरह नाप करके मसाला भी बना रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बन करके भी पूरा रेडी हो गया है, अभी भर रहे गमला में, उसके बाद वहाँ पर फेंक देंगे। तो फूफा जी इधर लेकर के जा रहे हैं दोस्तों मसाला ये सब, वहाँ पर हम लोग का जो सीढ़ी बना हुआ है वहीं पर प्लास्टर करेंगे अभी। तो चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं प्लास्टर कैसे हो रहा है हम लोग का सीढ़ी का। देखिए इधर कविता जी पार हो रहे हैं, चलिए जी। चलिए अब हम पार होते हैं। देखिए हम लोग का देसी जुगाड़ दोस्तों नीचे उतरने का। देखिए सीढ़ी लगा दिए हैं और इसी से नीचे ऊपर होते हैं। अभी जब तक हम लोग का गली का काम चल रहा है तब तक हम लोग इधर से ही आना जाना करते हैं। देखिए लक्ष्मी अभी उतर रही है, चलो लक्ष्मी बढ़िया से उतरो, पकड़ के उतारिए जी। तो कविता जी और लक्ष्मी दोनों उतर गए, अब हम उतरते हैं। चलिए हम लोग उतर गए दोस्तों, और देखिए यहीं पर अभी हम लोग का काम हो रहा है। ये देखिए गली का काम हो रहा है, इधर पूरा एकदम बढ़िया तरह से प्लास्टर करके देखिए घोला वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। कितना मस्त एकदम लग रहा है, चिकना और पूरा मजबूत भी हो गया दोस्तों। देखिए कितना मजबूती के साथ में काम हो रहा है। देखिए यहाँ से वहाँ तक तो पूरा हो गया है दोस्तों, ये गली पूरा कंप्लीट हो गया है। और इधर देखिए अभी इधर लगे हुए हैं फूफा जी, पूरा जोर शोर से एकदम काम पे लगे हैं। देखिए इधर भी पूरा एकदम बढ़िया तरह से ढलाई कर लिए हैं, उसके बाद में प्लास्टर करने के बाद यहाँ पर घोला भी चढ़ा दिए हैं। अब इसको चिकना करते जाते हैं, देखिए उधर अभी चिकना कर रहे हैं। देखिए बोरा बिछा लिए हैं देसी जुगा, उसके बाद में चिकना कर रहे हैं ताकि पैर में लटकेगा नहीं। क्या फूफा, देखिए पूरा एकदम देखने में प्लेन लग रहा है, ये और भी चिकना हो जाएगा ना, उसके बाद में और भी बढ़िया दिखेगा एकदम। और इधर देखिए दोस्तों कविता जी और लक्ष्मी दोनों माँ बेटी अभी पूरा एकदम एंजॉय कर रहे हैं गली में, है ना जी? देखिए लक्ष्मी कितना ज़्यादा खुश है एकदम, ये देखिए। क्या लक्ष्मी, पूरा मज़ा आ रहा है? हाँ देखिए पूरा खुश है एकदम। देखिए इधर पूरा एकदम चिकना हो गया है ना, तो काफ़ी बढ़िया लगता है एकदम बैठने में, क्या जी? और अभी इधर भी काम लगेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जो सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पर काफ़ी ऊंचा हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ढलाई हो गया ना, तो इससे ये ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसलिए इसको लेवल करेंगे। उसके लिए देखिए पूरा एकदम मसाला वगैरह बना करके ले आए हैं, वहाँ पर फेंक दिए हैं। अब यहाँ पर बढ़िया तरह से प्लास्टर करेंगे, उसके बाद में इसको लेवल करेंगे। तो यही सब काम अभी हो रहा है दोस्तों, और थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, तो वो सब धीरे धीरे होगा। और देखिए अभी मौसम कुछ इस प्रकार से किया हुआ है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम ठंडा मौसम किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। ना धूप है ना बारिश हो रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। काला काला बादल ढका हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा है कि पानी आएगा। अब देखते हैं
अगर पानी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहे कि बाहर का प्लास्टर पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है, अब बहने होने का डर नहीं है। देखिए इधर हम लोग का बाहर साइड का दीवार पूरा एकदम पक गया, ये देखिए पूरा मजबूत हो गया, अब यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कितनों भी पानी मारे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम और भी एकदम बढ़िया से पकेगा दीवार। और देखिए अभी गए हैं दोस्तों कविता जी बादाम बारी, बादाम देखने के लिए बैठा है कि नहीं। देखिए कविता जी बादाम देखने गए थे लेकिन बोदी लेकर के आ रहे हैं, बोदी मिला ना जी। देखिए लक्ष्मी के लिए बोदी लेकर के आ गया, क्या लक्ष्मी बोदी बहुत ज़्यादा खाती है, लक्ष्मी कच्चा चीज़ इतना ज़्यादा खाती है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है इसको एकदम कच्चा वाला चीज़। तो इधर का काम तो आप लोग को दिखा दिए दोस्तों, आप चलते हैं हम लोग कलवर घर तरफ, और कलवर घर में क्या चीज़ हुआ है दोस्तों चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है दोस्तों इन दिनों, एकदम पूरा पानी वगैरह भर गया है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। दो चलो चलो हम लोग आ गए दोस्तों कलवर घर, अब चलते हैं अंदर। और देखिए हम लोग का घर बारिश में कैसा हो गया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम चहला हो गया है, देखिए पूरा भींग करके कैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम भींगा हुआ है। और अंदर में तो और भी कलवर घर का बुरा हाल हो गया है दोस्तों, पूरा एकदम चहला हो गया है, पानी वगैरह पूरा एकदम भींग गया है, ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम भींगा हुआ है। और हम लोग का चूल्हा भी पूरा एकदम देखिए ख़त्म हो गया है, देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, देखिए जहाँ पर आग जलेगा वहाँ पर पानी है, देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है, देखिए इधर वाला में भी है, दोनों मुंह में है, देखिए इधर आगे तरफ भी है, देखिए लकड़ी वगैरह सब भींगा हुआ है, देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा है। और इस रूम में इतना ज़्यादा भींगा हुआ है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर चलने के लिए हम लोग इस तरह से प्लास्टिक बिछा दिए हैं, यहीं पर चलते हैं हम लोग, नहीं तो पूरा एकदम मिट्टी लग जाता है पैर में। देखिए उधर बोरा बिछा हुआ है, कैसा लग रहा है हम लोग का कलवर घर, ये देखिए इधर भी पूरा एकदम भींगा हुआ है, मतलब हम लोग का पूरा कलवर घर में पानी से सबिज हो गया है दोस्तों, पूरा भींगा हुआ है। और ये किस कारण से भींगा हुआ है दोस्तों, कैसे सबिज हुआ है चलिए आप लोग को दिखाते हैं बढ़िया तरह से। देखिए यही वजह से हम लोग का पूरा कलवर घर सबिज हो गया है दोस्तों, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रहा है उधर से, ये देखिए पूरा एकदम एक टुलू मशीन का पानी आ रहा था पहले, लेकिन कुछ दिनों से इस तरह से सूखा हुआ है। और ये जो पानी आ रहा है दोस्तों देखिए वहाँ पर जरका हुआ है, वहीं से पानी आ रहा है, देखिए कलवर के अंदर ही जरक गया है पूरा एकदम। और कहाँ पर निकलता है दोस्तों चलिए आप लोग को बढ़िया तरह से दिखाते हैं, अंदर घुस करके पूरा एकदम भग 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 निकलता है अंदर से, चलिए आप लोग को दिखाते हैं कितना ज़्यादा पानी निकलता है कलवर के अंदर से। तो अभी अंदर घुस ही रहे हैं दोस्तों, चलिए कलवर के अंदर आ गए दोस्तों, और चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए यहीं से निकल रहा है, ये देखिए कैसा झार निकलता है, देखिए जहाँ ज्वाइंट है ना उसी से पूरा एकदम पानी आ रहा है, ये देखिए पूरा एकदम सुर 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 आ रहा है, ये और भी ज़्यादा पानी निकलता था लेकिन कुछ दिनों से ये कम हो गया है, क्योंकि धूप वगैरह उगता है ना तो ये सूख जाता है और बारिश होने लगता है उसमें और भी एकदम तेज हो जाता है। तो यही वजह है दोस्तों पानी निकलने का, जहाँ पर ज्वाइंट रहता है ना वहाँ पर पूरा एकदम जरकता है और वही जरक पानी बह करके जो है निकल जाता है और इधर चला जाता है, और देखिए वहाँ पर जमा होता है, तो जमा होने के कारण से जो है हमारा पूरा कलवर घर में सभी हो जाता है और हम लोग का चूल्हा वगैरह में सब जगह पानी चला जाता है। और ये पूरा एकदम भादो भर चलेगा दोस्तों, जब तक पूरा धूप नहीं उगेगा तब तक ये पानी सूखेगा नहीं, अभी लगभग जो है एक आध डेढ़ महीना और लगेगा इसको सूखने में। तो आप लोग को तो दिखा दी दोस्तों यहाँ भी, अब चलते हैं बाहर निकलते हैं। देखिए इधर और ज़्यादा भींगा हुआ है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम गीला हो गया है मिट्टी, पूरा पीछर हो गया है, चलने से गिरने जैसा लगता है, क्या जी देखिए पूरा फूल करके कैसा हो गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा एकदम लेसे हुए थे बढ़िया तरह से, लेकिन देखिए कैसा हो गया है, पूरा मिट्टी गीला होकर के बह गया। तो पूरा कलवर घर तो हम लोग का बर्बाद हो ही गया दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ऐसा बारिश के मौसम में हो ही जाता है, प्रत्येक साल होता है, देखिए कितना खतरनाक पानी आ रहा है, देखिए और पूरा एकदम जमा हो जाता है। तो आप लोग को तो सारा वजह दिखा दिए दोस्तों कि पानी कहाँ से आता है, हम लोग का घर कैसे बर्बाद हो गया, हम लोग का घर में कैसे इतना सबिज हो गया। तो बाहर हम निकल गए हैं दोस्तों, तो चलिए जो कुछ भी हो उसको तो आप सहन करना ही पड़ेगा, अब ज़्यादा दिन नहीं है बारिश का मौसम, अब एक आध महीना के अंदर में निकल जाएगा, तब तक पानी भी सूख जाएगा। और इधर देखिए लक्ष्मी अभी पूरा एकदम खेल रही है ना, लक्ष्मी कहाँ जा रही है, पानी पीने। तो देखिए अब शाम भी होने लगा दोस्तों, ये देखिए धीरे धीरे अंधेरा कर रहा है। तो अभी सोच रहे हैं दोस्तों आज है साप्ताहिक बाजार, तो चलते हैं, कुछ सामान वगैरह नहीं है, सब्जी वगैरह लेना पड़ेगा, तो अभी हम निकलते हैं बाजार, है ना जी।
तो अब चलते हैं दोस्तों, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। और अभी इंडक्शन चूल्हा को भी लेते जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों से ना पूरा एकदम प्रॉब्लम चल रहा है, अच्छा से जलता नहीं है, खाना नहीं बन पा रहा है बढ़िया से। तो चलते हैं उसको भी लेकर के, आज छोटा मोटा काम जो भी है आज पूरा एकदम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इधर भी काम वगैरह चलते रहता है ना, तो बराबर बाजार जाने का मौका नहीं मिलता है। तो आज मौका मिला हुआ है, अब चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। चलिए आप लोग को पहले दिखाते हैं दोस्तों हमारा इंडक्शन चूल्हा में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए चालू करेंगे और कैसे होने लगेगा, ये देखिए ऐसा आवाज़ कर रहा है ना जैसे कि पंखा वगैरह जाम हो गया है, उसी टाइप का आवाज़ कर रहा है, इसलिए इसको लेकर के जाना पड़ेगा। और बात भी किए थे दुकान वाले से, तो बोल रहे हैं कि इंडक्शन चूल्हा लेकर के आइए, उसको खोल करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, बनने लायक होगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे जो करना होगा फिर करेंगे। देखिए पूरा एकदम मशीन जैसा दूसरा आवाज़ कर रहा है, एकदम मशीन से भी अलग आवाज़ कर रहा है, अब इसको खोल देते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, फटाफट कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। तो कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए दोस्तों, और देखिए बढ़िया तरह से रेडी हो गए हैं। और इधर देखिए अभी कविता जी इंडक्शन चूल्हा को निकाल करके बढ़िया तरह से पोंछ रहे हैं, ये देखिए साइड साइड में पूरा एकदम गंदा हो गया था, उसको साफ कर रहे हैं, है ना जी। देखिए इधर झोला है, इसी में डालेंगे और लेकर के चलेंगे, डला गया ना। तो झोला में ले लिए दोस्तों इंडक्शन चूल्हा, और देखिए इधर से लक्ष्मी और लक्ष्मी के दादाजी दोनों आ गए। ठीक, हम जा रहे हैं बाजार, है ना। ठीक, तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, काफ़ी शाम हो गया है, जल्दी से बाजार चलते हैं। अब ये जाएंगे तो सब्जी वगैरह मिलेगा, नहीं तो सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाता है बाजार में, तो चलते हैं फटाफट। तो हम आ गए दोस्तों नया घर तरफ, अब इसको टांग देते हैं आगे तरफ, अब गाड़ी निकालते हैं दोस्तों, यहीं पर घुमा लेंगे, घर दिक्कत होता है। तो घर से निकल गए हैं दोस्तों, अब सीधे चलते हैं बाजार। और देखिए बहुत दिनों के बाद स्कूटी चल रहे हैं दोस्तों, देखिए कितना मस्त एकदम चल रहा है, पूरा बढ़िया से बन गया ना, अब अच्छा चल रहा है। तो बाज़ार पहुंच गए हैं दोस्तों, और अभी आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल दुकान, जहां से हम लोग लिए हुए थे इंडक्शन चूल्हा वहीं पर आए हुए हैं। तो चलते हैं पहले दिखा लेते हैं, उसके बाद में बाज़ार करेंगे। देखिए यही दुकान में लिए थे, और इधर ही है अंकल जी, इनको दिखाते हैं। आवाज हुआ दूसरे कर रहा है, तो इंडक्शन चूल्हा जमा कर दिए हैं दोस्तों। अब भैया बोल रहे हैं कि एक दो दिन में भेजेंगे इसको, तो जो रिप्लाई आएगा फिर उधर से जो बोलेंगे वही हिसाब से फिर करेंगे ये। तो अभी तो फिलहाल जमा कर दिए हैं, अब चलते हैं बाज़ार करते हैं, अब चलते हैं अब मार्केट सब्ज़ी बाज़ार चलते हैं, कुछ कुछ सब्ज़ी खरीद लेते हैं। तो अभी बाज़ार आ गए हैं दोस्तों, अब चलते हैं सब्ज़ी लेते हैं यहाँ पर। देखिए इधर पूरा एकदम हरा भरा एकदम ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी है, ये देखिए मस्त है एकदम। और ये आलू है भैया, ये वाला भी 35 सफ़ेद वाला भी, और ये 30। तो पहले आलू ले लेते हैं दोस्तों, देखिए ये एकदम छोटा छोटा है और बढ़िया है, ये देखिए एक नंबर आलू है। तो एक टोकरी चुन करके भर लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसको तोलने के लिए देते हैं। लीजिए भैया, तो सब्ज़ी में तो सब चीज़ ले लिए हैं दोस्तों, गोभी लिए हुए हैं, प्याज लिए हैं, आलू लिए हैं, और अभी देखिए ले रहे हैं एकदम ताज़ा मूँगफली। तो सारा सामान ले लिए दोस्तों सब्ज़ी दुकान में, अब चलते हैं सीधे घर निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और देखिए इधर कुछ कुछ राशन का भी सामान ले लिए हैं दोस्तों पहले ही, देखिए आटा लिए हुए हैं, जीरा लिए हैं, कोलकी लिए हैं, यानी सब सामान लिए हुए हैं। अब चलते हैं इसको टांग देते हैं यहीं पर। तो अब बाज़ार से निकलते हैं दोस्तों, अब फटाफट चलते हैं सीधे घर, धीरे हो। तो घर हम पहुंच गए दोस्तों, और गाड़ी अंदर घुसा करके खड़ा कर दिए हैं, अब चलते हैं झोला वगैरह उतारते हैं।
इधर से तो रास्ता क्लोज है दोस्तों, उधर से ही घूमना पड़ेगा। देखिए आते आते काफ़ी रात हो गया दोस्तों, ये देखिए कोई चीज़ का आवाज़ नहीं आ रहा है, पूरा एकदम बिल्कुल शांत लग रहा है, इतना घनघोर रात हो गया है। तो अब चलते हैं जल्दी से कलवर घर। देखिए टाटी कौन खुला छोड़ के गया है, यही सब में दिक्कत होता है। छोटा हुआ बैल बकरी सब अगर इधर घुस गया ना तो सब खा जाएगा। देखिए इतना अंधेरा हो गया कि कुछ दिख नहीं रहा है आगे तरफ। कौन घर में, खोलिए खोलिए जी। उधर छुप के हैं जी। क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी कितना ज्यादा खुश है एकदम। क्या चाहिए बोलो? मिठाई, मिठाई। ये आलू चॉप है। तो चलिए घर बढ़िया तरह से पहुंच गए दोस्तों। आते आते थोड़ा ज़्यादा रात हो गया और अभी पूरा एकदम बारिश वगैरह सब छूटा हुआ है। बारिश तो रास्ते में नहीं मिला तो पूरा एकदम सामान वगैरह सब लेकर के आ ही गए हैं। तब चलते हैं, कपड़ा वगैरह खोलते हैं और थोड़ा देर आराम करते हैं। और देखिए इधर अभी कविता जी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भात सीझ गया जी? भात सीझ गया है, अभी सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए तो चलते हैं दोस्तों, अब कपड़ा वगैरह खोलते हैं और मुँह कान धो करके फ्रेश होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।